हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है और इनको कहा जाता है CCS रूल्स। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं और अगर एग्ज़ाम्स में ना भी पूछे जाएं तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CCS रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। और मैं भी इनकी वीडियोस देख रही थी तो कहीं पर भी अच्छे से डिटेलिंग में CCS रूल्स को नहीं कराया गया है। YouTube पे मुझे नहीं मिला। मैंने काफ़ी सारी वीडियो रिसर्च की तो कुछ हिंदी में कुछ कुछ रूल्स बता रखे हैं, डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पूरा रूल बुक ही लेके आ जाऊँ और उसमें से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं। सो यहाँ पे ये फर्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है कि रूल वन क्या है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें टाइटल दिया हुआ है, कमेंसमेंट के बारे में बताया है और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा वो बताया है। सेकंड जो है वो है डेफिनेशन, उसकी CCS रूल्स की डेफिनेशन, डेफिनेशंस आ जाती हैं, काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो उसमें यूज़ होंगी उसकी डेफिनेशंस हैं। थर्ड आता है जनरल बातें होंगी। 3A क्या है, प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टेसी। 3B है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। 3C है प्रोबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वेमेन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग वेमेन है ना उनके लिए प्रावधान लाया गया है कि अगर उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, करता है कोई भी उनके वर्किंग एरिया में, तो उसके लिए ये रूल है। उसमें वो क्या क्या कर सकती हैं, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूड होगी, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। रूल 4 है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स। अब जैसे कि आप गवर्नमेंट सर्विस पे हैं तो आपका कोई नियर रिलेटिव किसी और सर्विस में लग जाते हैं, कंपनी में, फर्म में लग जाते हैं या फॉरेन सर्विसेज में लग जाते हैं, तो उनके बारे में आपको अपने सीनियर्स को बताना होगा पहले से। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, आपका क्या मतलब, क्या प्रोविजंस हैं आपके लिए, अगर क्या आप पार्ट ले सकते हैं पॉलिटिक्स में या नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा करके है। रूल 6 कहता है जॉइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आपको कोई एसोसिएशन ज्वाइन करना तो किस टाइप का एसोसिएशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। रूल 7 कहता है डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में आपको पता है, रूल 7 के अंदर आता है ये। रूल 8 कहता है कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। क्या आप ऑथराइज्ड हैं प्रेस के सामने कोई भी इंफॉर्मेशन बताने के लिए, वो सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 9 कहता है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली बात। तो रूल 10 कहता है एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। मान लो आपको कोर्ट से समन आ गया कि आपको एज विटनेस वहाँ पे जाना है तो क्या आप जा सकते हैं या आपको परमिशन की ज़रूरत होगी। रूल 11 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रेस में मैंने बताया था आपके रिलेशन कैसे हैं प्रेस के साथ, आप रिलेशन में हैं कि नहीं है, वैसे ही यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं, बाहर लीक कर सकते हैं, वो सब रूल 11 में आ जाता है। रूल 12 है सब्सक्रिप्शन। रूल 13 है गिफ्ट्स, गिफ्ट्स के तौर पे मतलब कितना पैसा आप ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं। 13A होता है डाउरी, डाउरी लेना अलाउड नहीं है, दहेज नहीं अलाउड है गवर्नमेंट सर्वेंट को। रूल 14 कहता है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। 15 है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, क्या आप प्राइवेट काम कर सकते हैं कुछ ऐसा कुछ। 15A कहता है सबलेटिंग एंड वेकेशंस ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। ये रिलेट करता है गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है उससे। रूल 16 इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरोइंग। 17 है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस। 18 मूवेबल इमूवेबल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। 18A है रेस्ट्रिक्शन एंड रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजैक्शन विद फॉरेनर्स। तो जो सारी चीज़ें हम फॉरेनर्स के साथ ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं तो उस सब का ब्यौरा हमें देना पड़ता है। 19 में आता है विंडिक्शन ऑफ एक्ट एंड करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। 20 में आता है कैनवेसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। 21 है यहाँ पे, अब 25 तक है, देखो लिखा हुआ है, मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ।
ठीक है। और 22A बहुत इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 साल से कम के बच्चों को काम नहीं देना है, काम पे नहीं लगाना है। सो यहाँ पे फर्स्ट रूल पे हम आ जाते हैं। रूल वन है CCS रूल्स का, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये जो रूल्स होते हैं इनको बोलते हैं CCS रूल्स। 1964 में ये लागू हुए थे। दे शेल कम इन टू फोर्स एट वंस, ठीक है, एक ही बार में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, मैं मार्क कर देती हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दीज रूल्स शैल अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़। अब इनमें से कुछ भी, इन रूल्स में से कुछ भी किस पे अप्लाई नहीं होगा, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। देखो, रेलवे सर्वेंट डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द रेलवे सर्वे रेलवे एक्ट। तो रेलवे सर्वेंट कोई भी है उस पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है कि पर्सन होल्डिंग द पोस्ट इन रेलवे बोर्ड के अंदर कोई पोस्ट है, उस पे कोई इंसान है, तो उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होने वाले हैं। होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड और द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवेज, तो रेलवेज में अगर फाइनेंशियल कमिश्नर हैं तो उनके ऊपर भी रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। सो इतना हो गया हमारा। आगे हम देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट रूल्स 4, 6, 7, 12, 14 सब रूल 3 ऑफ रूल 15, 16 सब रूल 1, 2, 3 ऑफ रूल 18 सब रूल 19, 20, 21 शेल नॉट अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु ड्रॉज टू पे विच डज नॉट एक्सीड 500 पर मेंसम एंड होल्ड्स अ नॉन गेजेटेड पोस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर कोई भी नॉन गेजेटेड पोस्ट पे है तो उन सब पे ये सारे रूल्स जो ऊपर बताए गए हैं ये सारे अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे? पोर्ट्स, डॉकयार्ड, जेटीज, ये सब। डिफेंस इंस्टॉलेशन, डिफेंस में नहीं अप्लाई होंगे। पब्लिक वर्क एस्टेब्लिशमेंट एंड सो फार दे रिलेट टू वर्क चार्ज स्टाफ, ठीक है। इरीगेशन में नहीं अप्लाई होंगे। माइंस डिफाइंड, माइंस एक्ट में जो माइंस डिफाइन की गई हैं क्लॉज जे में, उसमें सेक्शन 2 में अप्लाई नहीं होंगे। फैक्ट्रीज एज डिफाइंड इन क्लॉज ऑफ इतना नहीं अप्लाई होंगे। सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग वर्कमैन गवर्न बाय लेबर लॉज नहीं अप्लाई होंगे। तो ये सारे लॉज यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब ज़्यादा इसमें ना घुसते हुए हम आते हैं किस पे हम आएंगे, अब डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन क्या कहती है? इन दीज रूल्स अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या कहा गया है? गवर्नमेंट है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर पूरे रूल बुक में कहीं पे भी गवर्नमेंट शब्द आता है तो वहाँ पे रेफ़र किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि रूल्स ही देख लो, सेंट्रल सिविल रूल्स हैं, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड इंक्लूडिंग अ सिविलियन इन द डिफेंस। तो एक तो सिविलियन पोस्ट होती हैं आपकी डिफेंस में, उस पे अगर गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया है, या फिर सिविल सर्विसेज में नॉर्मल सिविल यूनियन के लिए जो सेंटर से जॉब होती है उनमें अप्लाई अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा आपको, तो ये रूल्स आप पे अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। और आपको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विस आर प्लेस्ड एट द disposal of the company, corporation, organization or the local authority by the government shall for the purpose of these rules be deemed to be the government servant serving under the government, notwithstanding that his salary is drawn from the other source than the consolidated ones. तो consolidated से उनकी salary निकलती है, और अगर और कहीं से उनका salary source है तो उन पर ये rules apply नहीं होंगे। देन आता है हमारा मेंबर्स ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स। मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स को
मेंबर्स में कौन कौन आता है, वाइफ और हस्बैंड इन केस, मतलब अगर वाइफ है और हस्बैंड है तो वो तो फैमिली मेंबर हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, वेदर रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, चाहे वो रह रहे हैं उनके साथ या नहीं, बट डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और हस्बैंड केस बी सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द डिग्री, मतलब अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपको वाइफ और हस्बैंड कंसिडर नहीं किया जा सकता। देन आता है हमारा सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है, तो सन और डॉटर हैं जो कि होली डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, तो उनको कंसिडर किया जाएगा फैमिली मेम्बर में, बट डज नॉट इंक्लूड अ चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड हु इज़ नो लॉन्गर इन अ वे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब बच्चा है कोई तो वो तो डिपेंडेंट है, उसका तो खर्चा आप ही उठाओगे, जबकि अगर कोई वो बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो डिपेंडेंट नहीं रहा आप पे, दैट इज़ द केस। एनी अदर पर्सन रिलेटेड, कोई भी और पर्सन है बाय ब्लड और बाय मैरिज और टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एंड होली डिपेंडेंट, मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ का कोई भी डायरेक्टली ब्लड रिलेशन में कोई हो तो वो भी इंक्लूड होता है। देन आता है हमारा जनरल, जनरल में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। रूल 3A है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन द डिस्कर्टियस मैनर, कोई भी आपसे बदसलूकी से बात नहीं कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी नॉर्मल सिटीजन से बदसलूकी नहीं कर सकता। इन द ऑफिशियल डीलिंग्स विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट डिलेटरी टैक्टिक्स और विलफुली कॉज डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ द वर्क असाइन टू हिम, जो भी उसे काम दिया गया है अगर वो उसे करने में डीले करता है या आपसे सही तरीके से बात नहीं करता, भद्रता पे उतर आता है, तो ये क्या है, ये गलत चीज़ है, रूल 3A कहता है। रूल 3B क्या कहता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ऑब्जर्व करना, कैसे, अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को क्या करना है, एक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज, ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है 3C, ये क्या कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इंडल्ज नहीं होना चाहिए एनी प्रैक्टिस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब जहाँ पे काम करने की जगह है, तुम्हारी ऑफिस है, ऑफिस एरिया है, वहाँ पे भी और वैसे भी जनरली भी अगर कहा जाए तो इन सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, इंडल्ज नहीं होना है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ इन चार्ज ऑफ द वर्क प्लेस, जो भी इन चार्ज है वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके कि विमेन के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। अब एक्सप्लेनेशन इस रूल के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड एनी वन ऑफ द, अब क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल हैरेसमेंट में डायरेक्टली आती हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ठीक है, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ द सेक्सुअल नेचर। दूसरी चीज़ आती है, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन द रिलेशन टू और कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो अगर इनमें से भी कुछ उसमें इंक्लूड होता है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में माना जाएगा, लाइक इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, कि ऐसे प्रेफरेंस देंगे आपको, ऐसे करके गलत चीज़। फिर यह सारा पढ़ लेना है आपको, कैसे कैसे इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में अगर कुछ गलत सलत, या आपको निकाल देंगे या फिर आप
आपका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, ऐसी कोई धमकियाँ नहीं चलेंगी, ये भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, उसके लिए इन्वायरमेंट ख़राब कर देना, ठीक है। ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, उसका मतलब मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही जानी है, उसकी सेफ्टी पे भी सवाल उठ सकता है, तो इस वजह से उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं हम। और वर्क प्लेस क्या कहा गया, वर्क प्लेस में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, वर्क प्लेस में नहीं कर सकते, बाहर तो कर सकते हैं, तो वर्क प्लेस क्या क्या इंक्लूड करता है, एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रांच और यूनिट विच इज़ एस्टेब्लिश्ड ओन्ड कंट्रोल्ड एंड होली सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे के जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में नहीं, एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्पिटिशन और गेम वेन्यू है, वेदर रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंशियल है डजेंट मैटर, ठीक है। और नॉट यूज फॉर वेदर रेसिडेंशियल और नॉट यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पज, अब यहाँ वहाँ पर हो रही है ट्रेनिंग, नहीं हो रही है, स्पोर्ट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो जगह स्टेडियम है, अगर वो जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो आप वहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, लागू होंगे ये सारे रूल्स वहाँ पर। एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी, काम के सिलसिले में ही अगर आपको बाहर भेज दिया जाता है तो वहाँ पर वो भी वर्क प्लेस कंसिडर करेंगे, और ड्वेलिंग प्लेस और द हाउस और घर को भी यहाँ पर वर्किंग प्लेस ही कंसिडर किया गया है, क्योंकि अब वो इंसान गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की बनती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स, अब यहाँ पे रूल 4 है कि अगर कोई भी नियर रिलेटिव है अब वो एम्प्लॉयमेंट पे उनकी नौकरी लग चुकी है तो आपको क्या करना होगा, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज़ हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी अदर मेंबर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल रखी है और आप अपने इन्फ्लुएंस से अपने किसी नियर रिलेटिव की जॉब लगवाएं, नहीं नहीं हो सकता। तो रूल 1 है और क्लॉज 1 है, कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने नियर 1 की अपने इन्फ्लुएंस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट। फिर सेकंड रूल कहता है नो क्लास 1 ऑफिसर शैल एक्सेप्ट विद प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट परमिट हिज सन और डॉटर और अदर डिपेंडेंट टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फर्म विद विच ही इज ऑफिशियली ही हैज़ ऑफिशियल डीलिंग्स इन एनी अदर कंपनी और द फर्म हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी ऐसी आप स्केल 1 ऑफिसर हो, ठीक है, और आपके सन और डॉटर अगर कहीं पर भी ऐसी कंपनी में लगते हैं जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बारे में पहले से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परमिशन आएगी, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा करना गलत है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और द और इज अदरवाइज कंसिडर्ड अर्जेंट द मैटर शेल बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट मे बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा होता है कि आप नहीं तुरंत अर्जेंट है लग चुके हैं, नहीं बता पाए गवर्नमेंट को, अपने सीनियर्स को नहीं बता पाए, तो उस केस में क्या होगा, आप मतलब तुरंत ही उस टाइम पे ही आपको अपने सीनियर्स को या गवर्नमेंट को बताना होगा और प्रोविंशियल परमिशन आएगी वहाँ से, उसके बाद ही आप इन्वॉल्व हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में, अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में, वरना नहीं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट समझ तो रहे होंगे ना आप, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल फॉर्मेट में बता रही हूँ, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास भी बताई जाती हैं ऐसी होती हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एज सून एज ही बिकम अवेयर ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ मेम्बर ऑफ हिज फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, जैसे ही उनको पता लगता है कि हमारा कोई मेम्बर है फैमिली का वो किसी कंपनी या फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो उनको परमिशन लेनी होगी,
नहीं कर सकता है ज्वाइन जब तक कोई परमिशन गवर्नमेंट से ना आए। तो अगर क्या होता है कि अगर आपको ड्यूटी करते टाइम पे, ऑफिशियल ड्यूटीज़ डील करते टाइम पे कोई भी सैंक्शन चाहिए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट देना है आपको, आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट देने की जिम्मेदारी है, तो आप अपने किसी भी ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या फिर वहाँ पे काम करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की, अपने सुपीरियर की। अगर वो परमिशन मिल जाती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, अगर वो परमिशन नहीं है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को नहीं दे सकते जिसमें आपके रिश्तेदार हैं, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक, अब रूल फाइव को अभी नहीं पढ़ते हम रूल फाइव को दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप ये समझ आ रहे होंगे क्योंकि मैं पूरी रूल बुक लेके, रूल का जो PDF है ये पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से नोट्स उठा के लेके आऊँ और फिर वो समझाऊँ, तो वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं होती। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पूरी रूल बुक में से ही हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो समझ में आने वाली हैं और जो हमें चाहिए भी जानने को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमें नहीं पता होगा हमारे ही जो रूल्स हैं उनके बारे में तो फिर फ़ायदा क्या है इन रूल्स का। तो हमें खुद ही पढ़ना है और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।